हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु विल गोइंग टू फाइल वीज़ा फॉर दिस कमिंग इनटेक। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस इनटेक में समहाउ अपना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाए ड्यू टू अपडेटेड एम्बेसीज रूल्स। एम्बेसी ने इस बार कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों का फाइनल डिग्री डिप्लोमा मांगा था, तो जो भी स्टूडेंट्स रिसेंटली पास आउट है वो सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर पाए, और समहाउ ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल कंडीशंस एंड ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन ड्यू टू सम रीज़न एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। तो आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में आने वाले इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये टाइम आपके पास है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करता हूं, तो जर्मनी में जो एप्लीकेशंस हैं वो आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे समर इनटेक के लिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जुलाई से एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं समर इनटेक के लिए। साथ ही आपका ऑलरेडी लातविया में फैब इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं, साथ ही पोलैंड में भी आपके विद इन नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ के बाद आपका समर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो समहाउ अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए हैं इस इनटेक में, तो उनके लिए गुड न्यूज है, और प्लस ये बेस्ट टाइम है। आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए मेजरली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो रिक्वायर्स होते हैं आपके एकेडमिक्स, जिसमें आपका 10-12, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स। साथ ही आपको यूनिवर्सिटीज से 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने हैं और योर प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। साथ ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए यूरोप में मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ में आपका MOI कंसीडर हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जर्मनी में अराउंड 60% यूनिवर्सिटीज़ IELTS का रिक्वायरमेंट रखती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना IELTS नहीं दिया है और आप जर्मनी के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस टाइम में आप IELTS के लिए एनरोल हो सकते हैं, IELTS का प्रिपेयर कर सकते हैं, और IELTS का एग्ज़ाम दे करके आप जो रिक्वायर बैंड है दैट इज 6.5 नॉट लेस देन 6.0 आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका अपडेटेड CV, आपके जितने भी एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं, इफ यू आर वर्किंग तो आपके एक्सपीरियंस लेटर, और एनी सॉर्ट ऑफ आपका अगर रिलेवेंसी रखते हुए आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में आपका अपडेटेड CV एंड आपका वैलिड पासपोर्ट। यस, बहुत सारे इस बार मेरे पास इंक्वायरीज आई थी जहां पर स्टूडेंट्स अपने पासपोर्ट के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया था या करने वाले थे। तो अगर ऐसे स्टूडेंट अभी भी हैं जो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपको अभी रिसेंटली आपका एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है जिसमें फास्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, वहां पर आपको 15-20 डेज के अंदर आपका पासपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। फर्दर मोर, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के परेशान हैं या आप कन्फ्यूज़ हैं कि मैं किस कोर्स के लिए मेरा प्रोफाइल एलिजिबल है और किस कंट्री के लिए मैं अपना एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता हूं, तो आप हमारे पास अपने एप्लीकेशंस application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से लाइव काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट meridian.org पे जाकर के लाइव काउंसलिंग का फॉर्म अवेलेबल है, वहां पे आप फिल कर सकते हैं और अपने प्रिफर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आप लाइव काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही अगर आप फेस टू फेस काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे वेरियस सेंटर्स पे आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू फेस टू फेस लाइव काउंसलिंग सेशंस भी अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही मोर और रीसेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।